कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी शाम का टाइम है और मैं खाने की तैयारी करके आई हूँ, सब्जी वगैरह बना के आई हूँ, आटा लगा के आई हूँ। रोटी अभी नहीं बनाई है मैंने और मैं आगे वीडियो बनाने, क्योंकि जो पीड़ित पति है ना आजकल जो फेमस है, आजकल बहुत चर्चा में बने हुए हैं पीड़ित पति। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले घमंड की वीडियो देखी तो पीड़ित पति का बहुत बड़ा कारनामा मतलब जो है सुना मैंने घमंड जी के वीडियो में, जो मतलब कोई भी वीडियो उनकी आती है उनके हस्बैंड की, तो हर वीडियो में उनकी शुरुआत जो है इसी से होती है कि घम्मू राजस्थानी का पीड़ित पति। पीड़ित पति खुद है या वो दूसरों को पीड़ित करते हैं? घम्मू को पीड़ित करते हैं, दूसरों को नहीं कर, मतलब दूसरों को तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, दूसरों को क्या कर पाएंगे वो पीड़ित, घम्मू को पीड़ित करते हैं। बहुत ज़्यादा बोल रहे थे ना बीच में, बहुत ज़्यादा वीडियो दिखा रहे थे कि घमू ने ये कर दिया, घमू ने, घमू के ये प्रूफ है मेरे पास, घमू के ये प्रूफ है कि घमू का प्रेम प्रसंग चल रहा है, कि घमू का, कि घमू ने मेरे प्रूफ चोरी कर लिए, है ना। तो जिस तरीके से आज घमू ने सभी के नाम लिए हैं, सभी के, जैसे आज हुआ कब है ये नहीं पता, आज घमू की वीडियो मैंने आज देखी और घमू को भी ये नहीं मालूम था, जब घमू फ्रिज खरीदने गई हैं और जब घमू ने वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना चाहा है तो पता लगा कि उनका अकाउंट खाली हो गया है। और ये किसका कारनामा है? ये पीड़ित पति का कारनामा है। 170,000 रुपये उनके अकाउंट से उनके पीड़ित पति दगू राजस्थानी ने निकाल लिए। तो जब वो बैंक गई हैं, उन्होंने पता किया है तो पता चला कि इस बैंक से नहीं, दूसरी बैंक से निकले हुए हैं, तो दूसरी बैंक में गई तो वहाँ 3-4 लोगों के नाम जो है सामने आए हैं, मतलब बैंक वालों ने एक का नाम बताया था, जो नाम जिसको उन्होंने दिए होंगे पैसे या जिसके थ्रू निकाले गए होंगे, जब वहाँ उन्होंने कॉल किया है, उनसे संपर्क किया है, कोई गिरधारी नाम के व्यक्ति थे उनसे जब संपर्क किया है तो उन्होंने किसी और का नाम लिया, तो जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने किसी भैरव का नाम लिया, पता नहीं ऐसा कुछ नाम था उनका नाम लिया, जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो, मेरे तो तगू पे पैसे थे तो मैंने तगू से डिमांड की थी अपने पैसों की, तो मुझे तगू ने दिए हैं, तगू ने मुझे चेक दिया था। तो इतनी लंबी चैन भी बन गई और पैसे निकल चुके। अब यहाँ पे इतना सब ड्रामा तो कर नहीं सकती घमू, किसी का नाम इस तरीके से ले दें कि उन्होंने पैसा लिया या उन्होंने ऐसा किया, ऐसा तो कोई कर नहीं सकता, है ना। तो गलत कौन है? मेरी भी एक वीडियो पे कमेंट आया था, मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा कि किसका था, कि मैम आपको इनका बैकग्राउंड, सॉरी इनका ग्राउंड नहीं पता है आपको, और ये घमू की भी गलती है, केवल तगू की गलती नहीं है। तो मैं उनसे आज यही बोलना चाहूँगी कि साफ दिख रहा है किसकी गलती है, जब घमू उस घर में नहीं रह रही है, अलग रह रही है, फिर भी उनके जो पति हैं फिर भी वो बाज नहीं आ रहे घमू को परेशान करने से, तो जब एक घर में घमू रह रही होंगी तो क्या हो रहा होगा। पहली बात तो जब पीड़ित पति नौकरी भी करते हैं और तो फिर किस चीज़ के लिए उनसे पैसा लिया था, फिर लिया भी था, चलिए वो उनकी पर्सनल बात है किस चीज़ के लिए लिया था मुझे नहीं पता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तो खुद तो ना आप सर्विस भी तो करते हो, किसी दूसरे का अकाउंट, मतलब जब वो घमू से आपकी इस टाइम लड़ाई है और झगड़ा है और वो उस घर में भी नहीं रह रही हैं, आपसे अलग हो गई हैं, तो फिर दूसरा ही बोल सकते हैं उनको, और उनका अकाउंट खाली कर दिया आपने, ये कहाँ का न्याय है भाई, है ना। ये क्या है, अपने को आप पीड़ित पति बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती पीड़ित पति बोलते हुए? पीड़ित आप हैं या पीड़ित घमू है, जो बेचारी बच्चों को लेके किराए पे रह रही है, अलग दर दर भटक रही हैं,
आप तो पीड़ित नहीं है, आप तो घर में रह रहे हैं आराम से, मजे से खा पी रहे हैं। मेरी ये वीडियो बनाने का केवल मकसद यही था कि वो अपने को पीड़ित पति बोलते हैं और पीड़ित वो खुद नहीं है, पीड़ित वो घमू को करते हैं। घमू जब आपसे कोई मतलब नहीं रख रही है, आपके बारे में कुछ भी कह नहीं रही, सुन नहीं रही, आप फिर भी जो है उनको चैन से नहीं रहने दे रहे हैं, है ना, तो पीड़ित आप हैं या पीड़ित घमू हैं? मेरी नज़रों में तो पीड़ित घमू हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे जब बीच में पसीना आ रहा है बहुत, क्योंकि मैंने ना वीडियो की वजह से फैन भी ऑफ कर रखा है। बीच में जैसे मैंने उनकी वीडियो देखी थी तगु की, मैं ज़्यादा नहीं देखती, एक आध ऐसी कोई सामने आ गई उस जब मैंने यूट्यूब खोला और आ गई, और जैसे मैंने कोई टाइटल उनका ऐसा पढ़ा तो मैंने थोड़ा बहुत देख ली तो देख ली, नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो देखूँ। और हाँ, इस तरीके की घमू की भी हर वीडियो नहीं देख पाती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद भी दो चैनल चला रही हूँ, एक रेसिपी का चला रही हूँ, एक ये ब्लॉग का चला रही हूँ, तो दोनों के लिए वीडियो बनाना, अपलोड करना, एडिटिंग करना, है ना, तो मुझे नहीं टाइम मिलता है कि मैं वीडियो ज़्यादा किसी की देख पाऊँ, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो बीच में जब मैंने देखा था कि इतनी मतलब जो है सब बोल रहे हैं घमू के बारे में, तो पुरुष यहाँ पे क्या होता है ना, पुरुषों का क्या होता है कि मैं इस तरीके से बोलूँगा तो बीवी झुक जाएगी। अरे आप सही बोलोगे और अपनी गलती नहीं करोगे तो झुकेगी, ना कि आप उल्टे सीधे उस पर इल्ज़ाम लगाओगे तो वो झुक जाएगी। जितना ये सब करोगे ना उतनी वो दूर और होते चली जाएगी। और वही घमू के साथ में हुआ, जितने आपने इल्ज़ाम लगाए पीड़ित पति ने उतना ही घमू और दूर होती चली गई। और अब आप ये कर रहे हो तो इस तरीके से आपका समझौता हो जाएगा, जो आप कह रहे थे कि अब मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये कर सकते हैं आप समझौता करने के लिए कि उनका अकाउंट खाली कर दो। क्या बात है, मानना पड़ेगा पीड़ित पति को, काफी होशियार हैं वो। होशियार लोग ही इस तरीके के काम कर पाते हैं, हर बंदा नहीं कर पाता इस तरीके के काम। पीड़ित पति के नाम से सबसे सिंपैथी ले रहे हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, मैं पीड़ित पति हूँ, है ना। और आज पीड़ित पति ने तो बहुत बड़ा कारनामा दिखा दिया, क्या बात है। ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के काम है, हर बंदा नहीं कर पाता है। बहुत हो गई बातें घमू और तगु के बारे में, मुझसे रहा नहीं गया तगु का ये कारनामा देख के। मुझे लगा कि सभी को बताना चाहिए, मैं भी अपने चैनल पे सभी को बताऊं कि देखिए कितने होशियार हैं पीड़ित पति। और ये मेरा ब्लॉग का चैनल है और मेरा एक चैनल और है रेसिपीज का, जिसमें कि जिस पे कि मैं रेसिपीज शेयर करती हूँ। आप लोग अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट ज़रूर करें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, है ना। देखिए मैं किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकती, मैं अभी बोलूँ आपसे कि नहीं सब्सक्राइब कर लो, आप अगर कर भी लोगे, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप दूसरे दिन अनसब्सक्राइब कर दोगे। इसलिए मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि विजिट करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी और दिन क्यों, मैं तो रोज़ ही मिलती हूँ, मैं तो रोज़ ही ब्लॉग जो है डेली शेयर करती हूँ, डेली अपलोड करती हूँ। ब्लॉगिंग का काम है मेरा तो मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।